Abhijeet, now tell me, you are into the coaching, and which team you are coaching and where it is located? Yeah, at present I'm coaching some educational institute as well as academies also. Academies. Yeah. Okay, that's great. Now I'm seeing in NDTV there is an ad coming that one should have a sports as the subject in schools. Now I linked that ad and to this induction program. If the sports in the subject, then how this induction program is going to help students of India? It will help a lot. Sports subject is necessary in the school academy. Actually, वो necessary इसीलिए है क्योंकि induction program और वो बहुत related है. As a Aussies thing, Aussies का जो thinking है वो छोटे बच्चों के लिए भी ज़्यादा है. क्योंकि अगर base ही आपका अगर अच्छा रहेगा तो automatically आप अच्छा develop कर सकते हैं आगे. वो induction program का main intention वो है. अच्छा अभिजीत, एक चीज़ और, हमने जब अपने टाइम में देखा था कि जब कोचिंग होती थी तो रनिंग हो गया, फिजिकल फिटनेस में बहुत ज़्यादा दिया जाता है, बॉल कैसे थ्रो करते हैं, हम लोग बस इतने स्टम्प्स गड़े रहते थे जो हम लोग मैचेस में यूज़ करते थे. लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी जो ऑस्ट्रेलियन जो कोचेज लेके आए हैं, आप लोग दे रहे हैं और आप लोग जो क्लासेज जो हो रहे हैं उसमें, और उस पहले की कोचिंग और अभी की कोचिंग में कितना आपको फ़र्क लगता है? पहले की कोचिंग और अभी के कोचिंग में ह्यूज डिफरेंस है. वो बेसिकली ये है क्योंकि थोड़े टाइम में और थोड़े इसमें ये सब एस्पेक्ट्स ये लोग कवर करते हैं. ऑस्ट्रेलियन जो अभी हमारा इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है, बेसिकली कैसे छोटे बच्चों के लिए जब वो आते हैं, वो जो हम जो पहले वार्म अप वगैरह लेते थे वो वैसा नहीं है. उनको डायरेक्ट ये स्टार्ट गेम से करते हैं, छोटे छोटे गेम जिसमें बच्चों को एन्जॉयमेंट भी बहुत मिलता है, वार्म अप भी होता है, फिटनेस भी होता है और क्रिकेट के जो टेक्निकल पॉइंट्स है वो भी कवर कर लेते हैं ये लोग. ये ह्यूज डिफरेंस है इसमें. और सिर्फ यही नहीं, टेक्नोलॉजी भी लेके आए ये लोग. नो डाउट इनके जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी इतने डिफरेंट है और वो बच्चों के लिए बहुत एंजॉयबल है, बहुत एंजॉयबल. मतलब कि कहते हैं एंजॉय करते करते एक बच्चा क्या नाम है क्रिकेट सीख जाता है. या एंजॉय करते करते वो गेम भी खेल जाता है, क्रिकेट भी सीख जाता है, छोटे छोटे टेक्निक्स भी उसके इम्प्रूव हो जाते हैं और फिजिकल फिटनेस भी हो जाता है. फिजिकल फिटनेस भी एक इसमें बहुत एक्सपेक्ट ये कवर करते हैं एंड इन शॉर्ट टाइम. या चलो अभिजीत, दैट्स वेरी गुड कि हम लोग आगे अपने प्रॉस्पेक्ट डोमेस्टिक लेवल इंटरनेशनल लेवल दोनों में अच्छा रहेगा क्योंकि एक बेस लेवल से लोग क्रिकेट सीख रहा है. एंड थैंक्स अ लॉट अभिजीत, थैंक्स अ लॉट. थैंक्स.